हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल असलम हार्डवेयर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्रोमटन की मोटर के बारे में, जो कि दोस्तों आपके सामने सिंपली दिखाई दे रही है। दोस्तों ये कूलर की मोटर होती है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी यूनिक और काफ़ी बढ़िया होती है। दोस्तों एक ब्रांड मोटर है जो कि क्रोमटन का नाम आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, मार्केट में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, जो कि हर कूलर में क्रोमटन की मोटर फिट की जाती है। दोस्तों आज की वीडियो में हम पूरी डिटेल्स है इसका रिव्यू करने वाले, इसके बारे में जानकारी देने वाले, तो आपको वीडियो कम्प्लीटली लास्ट से देखनी है, वीडियो आपको पूरी की पूरी एंड तक देखनी ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये क्रोमटन की मोटर है, जो कि 18 इंची से मोटर बोला जाता है, जो कि इसका ये बाहर का फेस होता है, जो पंखा होता है दोस्तों वो 18 इंची होता है, और पीछे की साइड में आप देख सकते हैं पूरी की पूरी मोटर होती है लंबी सी, जो कि आप देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका मार्केट प्राइस बता देता हूँ। दोस्तों ये आपको 3 से 4 हज़ार रुपये के अंदर अंदर मिल जाती है मार्केट में। हो सकता है आप अदर स्टेट से हो, या फिर आप यूके से हो, या फिर आप उत्तर प्रदेश से हो, या फिर उत्तराखंड से हो, तो आपको ये वहाँ पे थोड़ा बहुत रेट का डिफरेंस होता है, इसलिए मैंने आपको ये बराबर बताया, मतलब 3 से 4 हज़ार के अंदर अंदर में बताया। ये आपको 3500 रुपये में मिल सकती है, 3800 रुपये में मिल सकती है, और 3600 रुपये में भी मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों अब आगे वाली वीडियो में हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों इसमें दो दो नट लगाए जाते हैं, जो कि पत्ती के साथ में लगाए जाते हैं। दोस्तों ये 45 की पत्ती होती है, जो कि मोटी पत्ती होती है, उसके साथ में इसमें थ्रेड आती है, जो कि आप कंपनी खुद ही बना के देती है आपको। ये पूरा का पूरा बॉक्स में आता है, असेंबल आपको इसको खुद ही करना पड़ता है, जो कि हमारी शॉप पे ज़्यादातर दोस्तों ये यूज़ किए जाते हैं, तो हम इसे असेंबल कर लेते हैं नॉर्मली। अगर आप फर्स्ट बार कर रहे हो तो थोड़ा आपको हार्डली पड़ सकता है, क्योंकि इसमें फ़ैन वगैरह सब सिंपली लगाने होते हैं। दोस्तों इसका जो टाइमिंग होता है वो सब मैं आपको आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये 1 मिनट में कितने चक्कर काट देती है, और इसका वारंटी पीरियड कितना होता है। दोस्तों इसका वारंटी पीरियड 1 ईयर होता है, मतलब 1 साल के लिए आपको ये वारंटी में दी जाती है। अगर 1 साल के अंदर अंदर आपका इसमें कुछ रिपेयर वगैरह आता है तो आप इसे रिपेयर करवा सकते हैं, कंपनी इसको खुद ही रिपेयर करके दे सकती है। जहाँ से आपने इसे खरीदी है वहाँ पे इसे आपको रिटर्न करना होता है। इसके बाद में आपको इसके साथ में वारंटी कार्ड दिया जाता है, आपको बिल दिया जाता है, जो कि आप इसे खरीदते हैं और ये कब बनाई जाती है, ये सब कुछ दोस्तों वीडियो में होने वाला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें फ़ैन होता है, जो कि सिंपली नॉर्मली घूमता है, जो कि बहुत ही स्लो घूमता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट घूमता है। दोस्तों ये वाली मोटर होती है 18 इंच की। दोस्तों ये पेड वाले कूलर में ज़्यादातर यूज़ की जाती है, जो कि बड़े बड़े कूलर होते हैं, जिसमें पीछे की साइड में पेड लगाए जाते हैं, जो कि अभी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं, मतलब 15 हज़ार के भी आते हैं, 14 हज़ार के भी आते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो चाहिए कि मुझे कूलर के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो नीचे मुझे आप कमेंट करके जरूर से बता सकते हैं। और पीछे की साइड में दोस्तों आप देख सकते हैं एक शाफ्ट होती है, जो कि 10 mm की शाफ्ट होती है, जो कि गोल होती है, उस पर ये पंखा कसा जाता है सिंपली, और नट लगा के दोस्तों यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया जाता है। जो कि फैन आप देख सकते हैं आगे की साइड में, इसकी एक पिन होती है, जिसमें पिन में इसमें फंसाया जाता है, और साथ में इसको एक नट से कस दिया जाता है, जो कि 10 नंबर का नट होता है, जो कि फैन काफ़ी मजबूत हो जाता है, जिससे फैन आपका निकलता नहीं है। और दोस्तों आप देख सकते हैं ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही बढ़िया होता है। दोस्तों आपको सिंपली इसमें एक वायर मिलता है, जो कि पावर के लिए होता है, जो कि आप देख सकते हैं इसमें हमने पिन वगैरह सब लगानी होती है, जो कि कंपनी नहीं लगा के देती है आपको। पिन सिंपली अपने हाथ से ही लगानी होती है, अपने तरीके से ही खरीद के लगानी होती है। और दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें इसका सिंबल होता है, जो कि प्राइवेट होता है, जो कि ये कंपनी खुद लगा के देती है, ब्रांड अपने प्रमोट करती है। दोस्तों आप इसे इस टाइप के बॉक्स में आएगा, अगर आप इसे खरीदना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ से आप इसे सिंपली खरीद सकते हैं। दोस्तों आपका इस टाइप का बॉक्स आएगा, अगर आप इसे मंगवाओगे घर पर तो इसमें आपको एक वारंटी कार्ड निकलेगा, जो कि आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्रोमटन का ऑफिशियल वारंटी कार्ड होता है, जो कि आप देख सकते हैं इसका इसका मॉडल नंबर कब बनाई गई है, इसका प्राइस वगैरह सब सिंपली लिखा रहता है, जो कि आपको अंदर की साइड में एक बॉक्स भी मिलता है, मतलब एक छोटी छोटी गोलियां आती है, जो कि पॉइजन की गोली आती है, पर उसको आपको यूज नहीं करना है, जो कि वारंटी कार्ड आप सिंपली देख सकते हैं। और ये जो गोलियां हैं दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, इस टाइप की गोलियां इसमें आती है, जो कि पूरी ढुल गई है वहाँ पर, मैं आपको सिंपली हाथ में लेकर दिखा देता हूँ। दोस्तों ये पॉलीथीन के अंदर ही आपको ये मोटर आती है, जो कि बाद में आपको सिंपली इसे असेंबल कर देनी होती है। और दोस्तों इसमें जो जो इसका टाइमिंग दिया गया, मतलब कितने घंटे चलती है और कितने घंटे में आपको चलानी चाहिए, एक मिनट में कितना घूमती है, ये सब कुछ दोस्तों इसमें यहाँ पे दिया गया, आप सिंपली देख सकते हैं इसका वेट कितना है, ये सब कुछ इसका मॉडल नंबर क्या है, ये सब कुछ इसमें बॉक्स में दिया होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी जरूर से पसंद आई होगी, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो जरूर से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।